सो हेलो गाइस, आप देख रही है एकेम्स वंशा की यूट्यूब चैनल। तो आज होने जा रहा है रिएक्शन वीडियो पठान मूवी की रिव्यू का। तो आप थंबनेल में देख के पता ही चल गया होगा कि आज को क्या रिएक्शन करने जा रहा है। तो आई होप आप सबों को इन्जॉय लगेगा। तो इस वीडियो में इन तक बने रहे, आई होप यू विल इन्जॉय। और आप मैं जो रिएक्शन करने जा रहा हूँ को भी अच्छा आ जाए। उस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, तो शुरू करते हैं। शाहरुख खान की एक्टिंग, सलमान खान की एंट्री एंड दीपिका'स गॉर्जियस डांस, एवरीथिंग। इट्स जस्ट अबाउट एवरेज यार। फिल्म दिखने में अच्छी है पर देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लोग दिख सुंदर रहे हैं बट फिल्म नहीं है इतनी सुंदर। पठान पिक्चर मुझे तो बहुत पसंद आई। देशभक्ति के बेस पर है। शाहरुख खान, पदुकोने, फिर जॉन इब्राहिम, सबका रोल बहुत अच्छा है। नेगेटिव पॉजिटिव सब बताया है और बहुत ही अच्छी तरह से फिल्म बनकर हुआ है। आई थिंक शाहरुख खान का काफ़ी टाइम से हम लोग इंतजार कर रहे थे और आई थिंक इट्स अ मैग्नस ऑपस परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी तक वो रोमांटिक मूवीज करते हैं, ऑल आउट एक्शन मूवी करना और इतना कन्विंसिंगली अपना उन्होंने रोल निभाया पठान एज अ प्रोटैगनिस्ट, तो मुझे मूवी भी बहुत बढ़िया लगी। खामियाँ तो कुछ लगी नहीं है मुझे, जैसा वो ये जो इसका जो बॉयकॉट कर रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, क्योंकि ऐसा पब्लिक को तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कुछ भी बॉयकॉट ऐसा कुछ भी नहीं, शायद निकाल भी दिया होगा ऐसा, लेकिन वो उसमें फुल ऑफ एक्शन है मूवी। पठान फिल्म बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आया था बट ऑनेस्टली बोलूँ तो मोर ऑफ करिश्मा, लेस ऑन कंटेंट लगी। बहुत सारे मोमेंट्स पे टाइगर सिंधिया की याद आ रही थी, टिपिकल वैसा एक स्पाई रिवर्स जो होता है, वहाँ टाइगर और जोया था, यहाँ पर पठान है। डायलॉग डिलीवरी जो है, डायलॉग्स जो हो गए, जो स्टोरी है, मुझे काफ़ी वीक लगा, जितना एक्सपेक्ट कर आया था उतनी नहीं लगी। मैं सोचा था कि अब 2023 में स्पाई यूनिवर्स जो है वो एक नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा, पर अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं था। बट एंटरटेनिंग फिल्म थी, अ गुड वन टाइम वॉच, तो देख सकते हैं बिल्कुल। सो गाइस, आप अभी देख ही लिया जो रिव्यू था, रिएक्शन था, जो अभी मूवी देख के आए उन लोगों का ये एक रिव्यू था जो वो लोग बता रहे। तो आई होप आप सभी समझ गए हो कि आप सबों को मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप, मैंने आपको देखने का मन है, आपको देखने का पसंद है, एक्साइटेड है कि ये पठान मूवी को, तो आप ज़रूर देखिए। लेकिन आपको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप पैसा भी वेस्ट मत कीजिए, कि खर्च मत कीजिए कि इसको देखना ही है। मैं आपको एक अच्छा सजेशन देता हूँ कि आप ये मूवी को देखने का मन है, अगर आप देखना चाहता है तो जब ये मूवी रिलीज़ होगा टीवी में तभी आप देख लीजिए और देखिए, तभी आपके लिए बेस होगा, आपके लिए वैसी नहीं होगा मनी। तो आप ज़रूर देखिए वो समय में को। तो लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि आप थिएटर जाके कहीं से मूवी आप अमेजोन प्राइम से ये सब से पैसा से मैंने देखने का ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि वैल्यू है, एक्साइटेड है वो कि। तो अगर आपको देखना है तो देखिए ज़रूर है, लेकिन जो ये लोग का रिएक्शन से पता चल रहा है कि मैंने किसी किसी को अच्छा लगा है और किसी किसी को बुरा लगा है, तो आप ज़रूर देखना चाहता है तो देखिए, लेकिन आप थोड़ा सोच के देखिए कि जो भी देखना चाहते हैं तो अच्छा के लिए देखो, एंटरटेनमेंट है तो देखो। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये मेरा सजेशन है कि आप जब मूवी टीवी में रिलीज़ होगा तभी आपको देखने से ही अच्छा होगा। तो आज का यही था रिएक्शन जो पठान मूवी का जो रिव्यू किया है उन लोगों ने जो थिएटर से देख के आया है अभी। हेलो गाइस, आपको अगर ये मूवी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और स्पेशली जो मैं कह रहा हूँ आप सबों को, तो अगर वो भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आप सभी का सपोर्ट चाहता हूँ, तो सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आगे और भी इसी तरह अच्छा वीडियो रिएक्शन वीडियो और भी ला सकने के लिए। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।